अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे ऑन सैटरडे 22nd of August 2020, दिस इज फॉर क्लास थर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक यूनिट 4 चैप्टर 8 अंडर टाइटल द स्टोरी ऑफ द रोड ऑन द पेज नंबर 68 ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक। प्यारे बच्चों, इस नज़म में आपके लिए कुछ नए अल्फाज हैं जिनका माना मैंने यहाँ पर तहरीर किया हुआ है। पहला वाला वर्ड है न्यूज़पेपर, अखबार। ककुम्बर, खीरा। कैबेज, बंद गोभी। पोटैटो, आलू। रेडिश, मूली। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। फूलिश, बेवकूफ। क्वाइट, शांत। पहला वाला क्वाइट है QUIET, क्वाइट होगा शांत। दूसरा QUITE, क्वाइट, पूरा, सरासर। फिर है QUIT, क्विट। क्विट क्या होगा? छोड़ना। अर्ली, सवेरे। एसलीप, नींद की हालत में या सोता हुआ। एवरीथिंग, सब कुछ, हर चीज। लिसन, ध्यान देना या सुनना। वेक अप, बेदार होना। समवन, कोई एक। स्पैरो, चिड़िया। बच्चों, अब आपके लिए पहला वाला क्वेश्चन है, व्हाट साउंड्स डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। व्हाट साउंड्स डू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। सुबह के वक्त आप सड़क पर कौन सी आवाजें सुनते हो? आंसर क्या है इसका? वी हियर द साउंड ऑफ द बर्ड्स, वेजिटेबल मैन, न्यूज़पेपर बॉय एंड द टॉक ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। हम सुबह के वक्त, वी हियर द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स, हम सुबह के वक्त परिंदों की आवाज और सब्जी वाले की, अखबार भेजने वाले की और स्कूल जाने वाले की, बच्चों की, स्कूल जाने वाले बच्चों की आवाजें सुनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेजिटेबल मैन सेलिंग। व्हाट इज द वेजिटेबल मैन सेलिंग। सब्जी वाला क्या बेचता बेचता रहा है? सब्जी वाला क्या बेचता है? द वेजिटेबल मैन इज सेलिंग पीज, कॉलीफ्लावर्स, कैबेजेस, पोटैटोज, ककुम्बर, रेडिश, कैरेट्स एटसेट्रा। सब्जी वाला मटर, बंद गोभी, फूल गोभी, आलू, खीरा, मूली, गाजर वगैरह जैसी सब्जियां बेचता है। व्हाई इज द रोड एनॉयड विद द क्रो। एनॉयड का माने क्या? तकलीफ देना या नाराज होना या दुख देना। द रोड इज एनॉयड विद द क्रो बिकॉज इट इज वेकिंग अप द रोड अगेन एंड अगेन, बट रोड इज ऑलरेडी वाइड अवेकन। व्हाई इज द रोड एनॉयड विद क्रो। सड़क कवे से नाराज क्यों हुई है? द रोड इज एनॉयड विद द क्रो बिकॉज इट इज वेकिंग अप द रोड अगेन एंड अगेन, बट रोड इज ऑलरेडी वाइड अवेकन। सड़क कवे से इसलिए नाराज है क्योंकि वो बार बार सड़क को जगाता है, लेकिन सड़क पहले से ही पूरी तरह जाग चुकी है। अब एक और क्वेश्चन है, स्टॉप, लुक एंड लिसन बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, यूज योर आईज, यूज योर ईयर्स एंड देन यूज योर फीट, टॉक अबाउट हाउ यू वुड क्रॉस द रोड। स्टॉप, लुक एंड लिसन। स्टॉप, रोको, लुक, देखो, लिसन, सुनो, रुको, देखो और सुनो। बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, रास्ता पार करने से पहले, यूज योर आईज, यूज योर ईयर्स, अपने आंखों और कानों का इस्तेमाल करो, एंड देन यूज योर फीट, इसके बाद चलना शुरू करो। टॉक अबाउट हाउ यू वुड क्रॉस द रोड, आप रास्ता कैसे पार करोगे, इसके बारे में लिखो, इसके बारे में लिखो। अब आंसर है इसका, बिफोर आई क्रॉस द स्ट्रीट आई शुड लुक अराउंड एंड लिसन।
I should use my eyes very carefully to see some vehicle pass by the road. I should use my ears and be quick to act if I feel something is going to happen. I must obey traffic rules. रास्ता पार करने से पहले हमें इधर उधर देखना चाहिए. मुझे इधर उधर देखना चाहिए. I should use my eyes very carefully to see some vehicles pass by the road. रास्ते पर जिस वक्त भी गाड़ियां चलती होंगी मुझे इस वक्त अपने आंखों का सही से या बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करना चाहिए. I should use my ears and be quick to act if I feel something is going to happen. मुझे अपने कानों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे जल्दी ही कार्रवाई करनी चाहिए अगर मुझे लगे कि कोई वाका होने वाला है. I must obey traffic rules. मुझे ट्रैफिक कानून का पालन करना चाहिए. आज के लिए इतना ही काफी. अल्लाह हाफिज़.